हेलो एवरीवन टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट वैसे मैंने अपने मास्टर्स के ज़माने में जब ये टॉपिक पढ़ा था तो ये मैंने पढ़ा था मार्केटिंग के कॉन्टेक्स्ट में बट ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का जो टॉपिक है इसे डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन के कॉन्टेक्स में भी जो है वो पढ़ाया जाता है बेसिकली देयर आर फोर फेजेज और स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल द फर्स्ट वन इज़ इंट्रोडक्शन सेकेंड इज ग्रोथ द थर्ड वन इज़ मेच्योरिटी एंड द लास्ट वन इज डिक्लाइन ये इंट्रोडक्शन का जो फेज़ है ये बेसिकली वो फेज़ है जब आप प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं इन अ मार्केट इस फेज़ में यू नीड अ लॉजिस्टिक सिस्टम जिसके तहत आप रैपिड रेस्पॉन्स कर सकें जो भी डिमांड है आपको इस इंट्रोडक्शन के फेज़ में एक ऐसा लॉजिस्टिक सिस्टम चाहिए होता है कि जिसमें आप क्विक रिप्लेनिशमेंट जो है वो परफॉर्म कर सकें साथ ही साथ प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी को भी जो है वो यकीनी बना सकें इन अ मार्केट और आप रैपिड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट को जो है वो परफॉर्म कर सकें थ्रू आउट दी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर है होल है या रिटेलर है इस इंट्रोडक्शन के फेस पे दो मेजर इश्यूज आते हैं एक तो ये होता है कि जी आप स्टॉक आउट की सिचुएशन जो है वो फेस करते हैं और सेकेंड इशू ये आता है कि आप ओवर स्टॉकिंग भी जो है वो कर जाते हैं उसकी मेन वजह यह है कि चूंकि इंट्रोडक्शन फेज पे जो फोरकास्टिंग के एरर्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं तो इन फोरकास्टिंग्स के एरर से निपटने के लिए यू नीड अ फास्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड द देंकेंड फास्ट लॉजिस्टिक सिस्टम अब ये फास्ट इंफॉर्मेशन शेयरिंग सिस्टम जो है ये इशू आपके रिजॉल्व हो जाते हैं थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल जहाँ रैपिडली जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर की जाती है अब जहाँ इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम्स नहीं होते हैं वहाँ पर एक्सेल पे जो है वो डाटा को शेयर किया जाता है बट द की पॉइंट इज कि भैया डाटा जो है वो रैपिडली शेयर होगा और ये फास्ट लॉजिस्टिक सिस्टम जो है इसमें आ जाता है आपका फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जिसके तहत आप क्विकली जो है वो कोई भी मटेरियल कोई भी प्रोडक्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट कर सकें टू द पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन द नेक्स्ट फेज इज ग्रोथ देखें ग्रोथ फेज की सबसे बड़ी पहचान और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपकी जो सेल फोरकास्ट है वो काफ़ी प्रिडिक्टेबल होती है उसकी वजह ये होती है कि इंट्रोडक्शन से जो ग्रोथ है उसका जो टाइम पीरियड है उसमें आपको एक अच्छा खासा डाटा मिल जाता है जिसके तहत आप अपनी फोरकास्ट जो है वो अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं ग्रोथ स्टेज पे यू फोकस ऑन कॉस्ट अफेक्टिव लॉजिस्टिक सिस्टम मींस कि आप कॉस्ट वर्सेस सर्विस वाला जो फैक्टर है उसे फोकस करते हैं उसकी मेन वजह ये होती है कि इंट्रोडक्शन फेज पर तो आप ब्रेक इवन पर भी जो है वो काम करने को तैयार होते हैं और इवन ब्रेक इवन पर काम कर भी रहे होते हैं तो ग्रोथ स्टेज पे ये जो वेयर हाउसिंग है डिस्ट्रीब्यूशन है ट्रांसपोर्टेशन है और जो फ्लीट से रिलेटेड कॉस्ट है उसे आप बैलेंस करते हैं विद सर्विसेज विच यू आर ऑफरिंग और दी सर्विसेज विच यू हैव प्लान टू ऑफर और ये डायरेक्टली को करती है विद दी स्टॉक रिप्लेनिशमेंट स्टॉक होल्डिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स नेक्स्ट फेज इज और दी नेक्स्ट स्टेज इज मेच्योरिटी देखें ये वो फेज़ है या ये वो स्टेज है जब आपके प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट्स या आपके जो कॉम्पिटेटिव प्रोडक्ट्स हैं वो आपको चैलेंज करते हैं और कॉम्पीट करते हैं बाय इंक्रीजिंग दी प्राइसेस एंड दी सर्विसेज इस स्टेज में आपको चाहिए होता है कॉस्ट अफेक्टिव लॉजिस्टिक सिस्टम यहाँ बात आती है कोर कॉम्पिटेंसीज पे इस फेज में मोस्टली आप फोकस करते हैं अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज पे और आप नॉन कॉम्पिटेंसी वाले ऑपरेशन जितने भी हैं उसे आउटसोर्स कर देते हैं ताकि आप उस कॉम्पिटिशन को जीत सकें जो कि आपका कॉम्पिटिटर आपको दे रहा है इस फेज़ में आप वेयर हाउसिंग डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जितने भी रिसोर्सेज हैं उसे इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं अकॉर्डिंग टू योर सप्लाई चेन स्ट्रेटजी और योर बिजनेस स्ट्रेटजी नेक्स्ट फेज इज डिक्लाइन देखें ये वो फेज है या ये वो स्टेज है जब आपका टाइटैनिक जो है वो डूब रहा होता है आपकी प्रोडक्ट जो है वो ऑब्सलीट हो रही होती है इस स्टेज पे आपको एक ऐसा लॉजिस्टिक सिस्टम चाहिए होता है जिसमें रिस्क भी कम हो और उसकी कॉस्ट भी कम हो डिक्लाइन वाले फेज पे या इस स्टेज पे आप मोस्टली अपनी लेबर से रिलेटेड कॉस्ट अपनी फैसिलिटीज से रिलेटेड कॉस्ट आपकी यूटिलिटीज से रिलेटेड कॉस्ट और जितने भी रिसोर्सेज हैं उनसे रिलेटेड कॉस्ट को जो है वो मिनिमम रखते हैं ताकि आप जो टोटल रेवेन्यू है उसमें से अपना प्रॉफिट शेयर मैक्सिमम हासिल कर सकें सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और जब भी लॉजिस्टिक्स का सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है या लॉजिस्टिक्स का नेटवर्क डिज़ाइन किया जाता है तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को भी जो है वो कंसिडर किया जाता है ताकि आप ये जान सकें ये पहचान सकें कि आपकी प्रोडक्ट किस स्टेज पे है और आप अपने लॉजिस्टिक सिस्टम को कब और किस तरीके से जो है वो कस्टमाइज़ करेंगे या मॉडिफाई करेंगे आई होप कि आज की वीडियो से भी आपने कुछ ना कुछ ज़रूर समझा होगा और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर से तो आपका कोई क्वेश्चन हो देन यू आर वेलकम इन द कमेंट सेक्शन